हेलो त्रिशा, हाय। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन फाइन। आई सी सा, व्हाट यू सी इन इंडिया? हैमर, आई वांट अ पिंचर्स। आपने देखा इन दो बच्चियों को, एक गुजरात के सूरत में रहती है तो दूसरी राजस्थान के बीकानेर में, लेकिन इनकी इतनी सारी चीजें मिलती जुलती हैं कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की रहने वाली इन बच्चियों का भारत में पुनर्जन्म हुआ है। दोनों बच्चियों का नाम एक ही है, श्रिशा, और उम्र भी लगभग 3 से 3.5 साल। दोनों बच्चियां अभी एक दिन भी स्कूल नहीं गई हैं और ना ही इनके घर में कोई इंग्लिश बोलता है, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करती हैं। सबसे पहले हम आपको सूरत वाली श्रिशा के बारे में बताते हैं। बच्ची के पिता उसके बारे में क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए। ये बच्ची का जन्म जब से हुआ और जब से इसने बोलना सीखा, तो शुरुआत में क्या लगा आपको कि ये अंग्रेजी बोल रही है, तो क्या कुछ महसूस किया आपने? शुरुआत में तो एक्चुअली ऐसा लगा कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, बराबर। तो ये बच्ची का पहले तो मुझे खुद समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है, बराबर। बाद में जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, बराबर, लेकिन अभी भी मुझे इस बात का आंसर नहीं मिला कि ये बोलती कैसे है, बरोबर। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं बोलता है, हम प्योर गुजराती बोलते हैं, बरोबर। मुझे तो ज्यादा अंग्रेजी आती भी नहीं, तो बोलती क्यों है ना, उसका रीजन मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा कि कैसे वो बोल पा रही है। किस तरह की अंग्रेजी है? नॉर्मल अंग्रेजी तो है नहीं। नहीं, एक्चुअली देखिए, जैसे हम लोग मूवी वो सब देखते हैं अंग्रेजी, तो उसमें जिस प्रकार से इंग्लिश बोली जाती है वैसे इंग्लिश बोलती है वो। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, हाउ आर यू, फाइन, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो जैसे फॉरेनर बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं हमारे साथ। वो छोटी थी तब तो वो नॉर्मल ओके, ठीक है, ऐसा सब कुछ बोलती थी, ओके, प्लीज, वो सब। तो मुझे तब ऐसा लगता था कि ये तो नॉर्मल वर्ड से कहीं से सीख ली होगी उसने, लेकिन फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने प्रॉपरली इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। मतलब कि फिर तो मैं भी समझने लगी कि इंडिया की तो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो नॉर्मल बोलते हैं, वो बाहर की उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सोने का टाइम, उसका खाने का टाइम, कुछ भी अगर वो खाएगी पिएगी वो चम्मच लेगी साथ में, फिर अगर दूध भी उसको चाहिए तो बोलेगी मुझे मिल्क चाहिए, मिल्क टी चाहिए। मतलब उसका फिर रूटीन कंटिन्यू हो गया कि मतलब पूरा इंग्लिश में। गुजराती बोलना हमने सिखाया, हमने ट्यूशन भी मैंने बोला कि भेजा कि थोड़ा ट्यूशन जाके थोड़ा गुजराती सीख ले, लेकिन वहां पे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी स्कूल में हम एडमिशन के लिए भी गए, लेकिन उसकी लायक कोई स्कूलों में मतलब वो नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे हिंदी गुजराती होता है, ये इंग्लिश बोलती है, तो ये सब होता है प्रॉब्लम। ए भगवान, तो स्टील्ड मैन मानना भी पता है बोलो। त्रिशा, हाउ आर यू? हाउ आर यू? यू आर फाइन? ओके ओके, वीडियो ले रहे ना? हेलो त्रिशा, हाय। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन फाइन। आई सी सा, आई हूं। गुड, व्हाट इज योर नेम? आई लाइक सीता। अब आपको बीकानेर वाली बच्ची की कहानी सुनाते हैं। ये है 3 साल की कृषा, घर है राजस्थान का बीकानेर, लेकिन इसका कहना है ये कृषा नहीं बल्कि श्रिशा है और कैलिफोर्निया की रहने वाली है। 3 साल की इस बच्ची ने 2.5 साल की उम्र से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था, वो भी अमेरिकी एक्सेंट यानी कि अमेरिकी लहजे के साथ। घर वालों का कहना है कि ये ना कभी स्कूल गई और ना ही इसे इंग्लिश पढ़ाई गई। घर में टीवी पर भी हम लोग हिंदी कार्यक्रम ही देखते हैं। एक बार हम आपको नन्ही कृषा की हैरान कर देने वाली बातें सुनाते हैं। What you see it in
इंडिया different. कृष्णा के परिवार का अमेरिका से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बच्ची के बारे में इसकी माँ कहती है कि ये खुद को योगा टीचर बताती है। पहले कब पता चला कि ये इसने खुद ने बताया? हाँ, यही बोलती थी कि मेरा नाम क्रूस, आई एम नॉट क्रूसा, आई एम शीशा। तो हमें लगा ऐसे ही छोटा बच्चा तो ऐसे ही बोल रहा होगा, पर ये तो फिर धीरे धीरे इसको बुलाया कि तुम क्रूसा हो, क्रूसा हो। फिर इतना गौर नहीं किया, फिर योगा करने लगी तो गुस्सा, तो मैं योगा कौन सिखाता? तो बोलती है मैं खुद ही योगा टीचर हूँ, मैं खुद ही योगा टीचर हूँ। मेरी योगा टीचर थी, वो नन थी, उसका नाम बताती है ना। फिर धीरे धीरे सारी बातें बताने लग गए। अभी अभी लोकेशन भी बताती है? अभी तक हमने पूछा ही नहीं है, तो मालूम नहीं। बताएगी कुछ, कहाँ रहती थी? अंग्रेजी आपके परिवार को बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। तो अब टीवी लॉकडाउन में टीवी में तो हिंदी में आता ही नहीं था। हाँ, पब्लिक तो लाइक के मामा ना तो टीवी तो आता ही नहीं था। हाँ, हिंदी में ही आता था टीवी चैनल सारे। तो इस अंग्रेजी से इसका कोई भी मतलब कोई नहीं हुआ। बाहर भी खेलते नहीं थे बच्चे लॉकडाउन की वजह से, किसी ने नहीं सिखाया इसको। मेरा इससे बड़ा बेटा कुमारवाड़ी हिंदी, हाँ इंग्लिश स्कूल जाता है, बोलता है, पर घर में किसके साथ बोल रहे तो वो भी नहीं बोलता इंग्लिश इतने। और भाषा भी देखिए इसकी अलग है, तो अब ये पुनर्जन्म का ही लगता है। हाँ, पूरा ही है, अलग है, एक्सेंट पूरा USA टाइप का ही है। तो आपके परिवार में कभी कोई अमेरिका गया हो ऐसा? नहीं, कोई नहीं गया, ना हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है वहाँ। कृष्णा का बड़ा भाई जरूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, वो अभी प्राइमरी क्लास में है। वो भी कृष्णा की अमेरिकी एक्सेंट वाली इंग्लिश सुनकर हैरान है। आपकी सिस्टर से कैसे कम्युनिकेट करता? वो तो इंग्लिश में करना पड़ता है, और ये कुछ ऐसे शब्द होती है जो मुझे ही समझ में आते हो, किसी को नहीं समझ में आते। जैसे क्या बोलती है? ये जैसे कोई छोटा शब्द बोलती है बहुत धीरे, तो जैसे कैरेट, तो किसी को लगता है ब्रेड, किसी को लगता है टमाटो, तो मैं बोलता हूँ कैरेट है। इसे ऐसे कुछ चीज़ों में बोलती है या अजीब तरह से बोल प्रोनाउंस कर देती है, जिसमें से मुझे भी समझ में कुछ नहीं आता। तो ये जैसे इसकी खाने में फूड हैबिट्स क्या है? इसकी फूड हैबिट्स ऐसी है जैसे कि इसको कोई चीज़ कच्ची चाहिए तो ये कच्चा टमाटर, कच्चा खीरा ये खाएगी, वेजिटेबल्स खाएगी ये, और इसे ब्रेड अच्छा लगता है, अच्छा, सबसे अच्छा। ये पास लाइफ में से बताती है, पहले मैं कैलिफोर्निया में रहती थी और वहाँ पे मैं ऊंट रखती थी और कैमल्स बेबी काऊ रखती थी, बछड़ा। तो वो बोलती है मुझे बछड़ा बहुत अच्छा लगता था, और ये बोलती है मैं योगा हूँ, योगा टीचर है, और हमारे बैंगलोर में ऐसा सोफ़ा है जिसमें वो ऐसे पूरा उल्टा होके होती है खड़ी, और कभी कभी ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाती है सीधा। ये कोई भी चीज़ पर आसानी से चढ़ जाती है, दो चार अटेम्प्ट में ये कोई भी चीज़ में आसानी से चढ़ जाती है, और बहुत लचीली है ये। कृष्णा के परिवार के दूसरे लोग भी बच्चे को लेकर हैरान हैं। बच्ची की शक्ल से लेकर हर चीज बिल्कुल परिवार से अलग है। अंजी को अमेरिका घुमाने ले जाओगे? हाँ, लेके जाना ही पड़ेगा। क्या बताती है? बोलती है कैलिफोर्निया जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ पे कैमल्स है और काऊ है, सब चीज बताती है धीरे धीरे।
आश्चर्य होता है कि आप कंफर्टेबल हो गए? नहीं, आश्चर्य होता है और एक भगवान की देन है ये अमेरी वहाँ से विदेश से यहाँ आई है, जन्म लिया है हिंदू धर्म में। तो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना फ्लाइट आई है, देखो। हिंदू धर्म में आई है, सनातन धर्म में। आपको विश्वास होता है क्या पुनर्जन्म वगैरह में? विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बच्ची के माँ बाप का कहना है कि अभी इन्होंने उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई है जहाँ के बारे में बच्ची बताती है, लेकिन भविष्य में ऐसा किया जा सकता है। विज्ञान पुनर्जन्म की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। हम भी ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर बच्ची की इस कहानी का सच क्या है। ये तो आगे पूरी जांच के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है। बहरहाल इस बच्ची के बारे में जो भी सुन रहा है वो हैरत में पड़ जा रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। न्यूज़ तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।